इस वक्त बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अध्यक्ष जी, आज की जो बैठक है कई मायनों में खास है, किस तरीके की स्ट्रेटेजी आप लोगों की रहेगी? देखिए, पार्टी की नियमित बैठकें होती है, हमारे प्रदेश के प्रभारी आते हैं, अभी तक के जो कार्यक्रम है उसके हम विस्तृत रिपोर्ट रखेंगे। आगामी दिनों के जो कार्यक्रम मुख्य रूप से बूथ सशक्तिकरण का जो कार्यक्रम है वो प्रभावी कार्यक्रम बने, उसके साथ सभी जिले के अध्यक्ष आए हुए सब साथ मिलकर उनकी योजना तैयार करेंगे। आगामी दिनों में कैंट बोर्ड के चुनाव हैं, नगर पालिका के चुनाव हैं और लोकसभा के चुनाव, उसमें अभी से बूथ प्रबंधन के विषय को भी यहाँ बैठक में चर्चा होगा। एक विषय महत्वपूर्ण रहा जिसको लेकर पहले भी आप लोगों ने बातचीत की थी कि दायित्वों को बंटवारा जल्दी हो, आज उसको लेकर बैठक भी होगी, मंथन आए तो सब विषय चर्चा करेंगे। तो इस बात की भी पार्टी कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि जब बीजेपी के प्रदेश प्रभारी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं तो जो दायित्वों के बंटवारे का मामला लंबे समय से अटका हुआ है उसको भी हो सकता है कि आज संगठन की तरफ से हरी झंडी मिले और सरकार को पुलिस सौंपी जाए। कैमरा सहयोगी संदीप बडोला के साथ कुलदीप नेगी, जी मीडिया, देहरादून।